चलिए, सामाजिक विज्ञान के अंदर हमने संसाधन पढ़े थे, संसाधन के साथ में हमने प्रौद्योगिकी पढ़ी थी, प्रौद्योगिकी किस प्रकार से संसाधन को प्रभावित करती है ये हमने पढ़ा था, और हमने एक बात भी करी थी कि मनुष्य जो है, मानव हमेशा संसाधनों के उपयोग करने के लिए किसका, संसाधनों के उपयोग के लिए किसका उपयोग करता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ये संसाधन कहां से मिलते हैं, तो प्रकृति से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का हम प्रौद्योगिकी के द्वारा उपयोग करके जो हमारे सभ्यता है वहां पर मान्य हो, उनके द्वारा मान्य हो और हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, उन सभी को हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। लाभ किसको प्राप्त होगा, मानव को लाभ प्राप्त होगा। कल हमने संसाधनों के प्रकार के बारे में बात करी, उत्पत्ति के बारे में बात करी। संसाधनों के प्रकार में पहला पॉइंट हमारे पास में आया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था उसको, पहला था जैव संसाधन और दूसरा था हमारे पास में अजैव संसाधन। उसको दूसरा पॉइंट हमने समाप्तता के आधार पर लिया था, उसमें नवीकरणीय था और अनवीकरणीय था। नवीकरणीय वे संसाधन थे जो अपने आप वापस बनाए जा सकते हैं समय लिमिट के बाद में, अनवीकरणीय वे संसाधन थे जिसे एक समय लिमिट के बाद में नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी कि हम बात करें अगर तो पेट्रोल की बात करें, जैव पदार्थ की बात करें, जिनको जीवाश्म को बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे, तो ऐसे बात अपन ने करी जो समाप्तता के आधार पर होगी। आज हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। हमारे पास तीसरा पॉइंट है, हेडिंग डालिए स्वामित्व। स्वामित्व किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। देखो हमारे पास में संसाधनों को हम बांट रहे हैं, तीसरा पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर। हमारा स्वामी कौन है, कितने प्रकार के स्वामित्व के आधार पर हो सकता है, तो इसको मूलतः स्वामित्व के आधार पर लिख दिया। देखिए एक पॉइंट आता है हमारे पास में, देखो इसको हम बांटेंगे, विभक्त करेंगे। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि अपना काम हो जाए। मूल तो हम बांटेंगे इसको चार भागों में। कितने भागों में बांटेंगे इसको, चार। इस तरह से चार भागों में बांटिए और लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन को आप अच्छे ढंग से जानते हो। अभी आप जिस गाड़ी पे आए हो, जिस बाइक में आए हो, है ना, या जिस किसी पर भी आए हो, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है ना। कैसा संसाधन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, हो सकता है बस में भी आया हो तो व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वजनिक है ना। दूसरा आता हमारे पास में सामुदायिक, 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 सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर एक से अधिक लोगों का अधिकार हो, क्या कहलाएगा, सामुदायिक संसाधन। कैसा संसाधन कहलाएगा वो, सामुदायिक। एक से कितनी ज्यादा अधिकार होगा, दो, एक से ज्यादा लोगों का। फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया चीज है ना, कोई बड़ा तालाब है, उसमें एक से ज्यादा लोगों का स्वामित्व है, अधिकार है, सब लोग जाएंगे उसका उपयोग कर सकते हैं। और उससे भी बढ़िया उदाहरण होता है तो शमशान है ना, शमशान पर सबका अधिकार है ना, वहां पर सबको जलाया जा सकता है कि वहां पर भी कोई आरक्षित होता है ना। तीसरा पॉइंट लिखिए राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा कौन आएगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि नौसेना है भारत की, है ना, भारत के पास में हमारे पास में वायुसेना है, ये हमारे राष्ट्र की संपदा है। जो अभी हमने राफेल खरीदी है वो राफेल संसाधन के रूप में है, लेकिन राष्ट्र के संसाधन। तुम उसमें जाके बोलो साहब ये तो मेरी निजी संपत्ति है साहब, मैंने खरीदी है, घुसने नहीं देंगे, है ना। तो व्यक्तिगत संपत्ति छोटी मोटी हो सकती है, सामुदायिक संपत्ति बहुत सारे लोगों की हो सकती है ना, और राष्ट्रीय संपत्ति एक राष्ट्र को समर्पित होती है। और फिर आती है हमारे पास में एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय। साहब ये कहां पर होती है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति को हम समुद्र के माध्यम से समझ सकते हैं। समुद्र के जो एक निश्चित दायरा होता है वहां तक हम मछलियां पकड़ सकते हैं,
वहां के संसाधनों पर हमारा अधिकार हो सकता है, एक देश का, हमारा मतलब उस देश का। तुम वहां पर जाके बोलो नहीं साहब मेरा 200 मीटर तक मेरा अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? देश का। लेकिन उसके बाद की जो संपदा है वो किसकी होगी? अंतर्राष्ट्रीय होगी। किसकी होगी? अंतर्राष्ट्रीय होगी। वहां पर कौन खड़े रहेंगे? पनडुब्बियां रहेगी, हमारे जहाज खड़े रहेंगे। एक ही राज्य की, एक ही राष्ट्र के जहाज हो सकते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के जहाज हो सकते हैं। और जब आपस में सेनाओं के द्वारा लड़ाई होती है तो वहां पर भी कौन रहेंगे? उस समुद्र के अंदर खड़े रहेंगे, है ना। बड़ी अजीब बात एक नहीं है, अमेरिका के जहाज भी हमारे हिंद महासागर में रहेंगे, पाकिस्तान के जहाज भी हमारे हिंद महासागर में रहेंगे, भारत के जहाज भी हिंद महासागर में रहेंगे। लेकिन भारत का दायरा अगर हिंद महासागर के अंदर है तो लाभ किसको प्राप्त ज्यादा होगा? भारतीय सेना को प्राप्त ज्यादा होगा। क्योंकि हम चाहें तो नौसेना है हमारे पास में, थल सेना है हमारे पास में, और जल सेना भी हमारे पास में है, वायुसेना भी। तो ये सब सेनाएं मिलकर क्या करेगी? जब युद्ध की स्थिति बनती है निपटा सकते हैं। भारत है साहब, मामूली बात थोड़ी है क्या? जनसंख्या के मामले में सेकंड आते हैं अपन, हैं? इसी तरह प्रगति करते रहे तो बहुत जल्दी चाइना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बहुत सारे मामलों में हमें फर्स्ट आना है, खाली जनसंख्या के मामले में सेकंड आगे खुश नहीं होना है, और भी बहुत सारे मामले हैं जिनको हमें आगे आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, राष्ट्र के लिए सोचना पड़ेगा, और राष्ट्र के लिए सोचने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग भी तो करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए पहले व्यक्तिगत संसाधन जो है उनका सही ढंग से उपयोग कर ले। और जो व्यक्तिगत संसाधन है वो किसके हैं? हमारे खुद के हैं, हमारे पूर्वजों के हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं अगर जमीन पड़ी हुई है तो किसकी है? पूर्वजों की है, और हमें दान में मिली है, और उसका उपयोग हम खेती कर रहे हैं उसके ऊपर। वो कैसे संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। अगर किसी की मोटरसाइकिल है, किसकी संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। अब ये बात अलग है, तुम लोन पे लेकर आए हो तो लोन वाले उठा के ले जाएंगे अगर जमा नहीं कराओगे, फिर वो सामूहिक संपदा। तो व्यक्तिगत का मतलब समझ में आ गया? ऐसा नहीं होता है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तो खाली, है ना। उतार लिया तीनों ही, चारों ही। अब लिखिए व्यक्तिगत संसाधन के नीचे लिखना, लिखना ऐसे संसाधन निजी व्यक्ति के होते हैं। निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति मतलब समझ में आया? कोई ना कोई अकेला। निजी व्यक्ति के होते हैं, निजी व्यक्ति के होते हैं। इसका स्वामी भी, इसका स्वामी भी कोई एक होता है, जैसे खेत, घर, जायदाद। आपके पास में कोई खेत है, आपके पास में कोई घर है, कोई जायदाद है, जायदाद, खेत, घर, जायदाद, है ना, इत्यादि। ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बाग हो सकता है, चारागाह हो सकता है। तो बाग लिख दो। आपके पास में किसी का गार्डन बना हुआ है ना, तुम गए, मान लो कोई मिलन गार्डन है, वहां पर जाके तुम खाना खा के आए, तो मिलन गार्डन किसका है? वो वाटिका किसकी है? किसी एक आदमी की है, मेंटेनेंस वही करता है। तो व्यक्तिगत संसाधन है, आपको वहां पर खाना करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो बाघ है। कोई चारागाह, चारागाह, आपकी गाय है और भूखे मर रही है, और आपने किसी से जाके अनुरोध किया भाई इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है इसमें से चारा काटने दे, वो चारागाह किसका है? किसी व्यक्ति विशेष का है, तुम्हारा नहीं है, है ना। और व्यक्ति विशेष किसमें आ गया? व्यक्तिगत संसाधन है उसके। नेक्स्ट लिखिए कुआ का जल, कुएं का जल, कुएं का जल। देखो बाघ है, चारागाह है, कुएं का जल है। अच्छा कुएं का जल, कुएं, पहले पुराने जमाने में कुएं खोदते थे, अब हम बोरवेल करते हैं, है ना। तो कुएं कोई विशेष व्यक्ति के हुआ करते थे, आज सामूहिक कुएं होते हैं वो ठीक है, वो हम समुदाय में लिख देंगे शमशान के पास में। लेकिन किसी का निजी कुआ भी तो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पागलिया, हमारे कुएं का एक नाम है पागलिया, तो वो किसी व्यक्ति विशेष का बेचारे का, है ना। अब उसमें पानी सभी लोग भर लेते हैं, वो आपसी प्रेम है, वो सौहार्द है, प्रेम है कि भाई गांव के लोग प्यासे न रहे। वो चाहे बंद कर सकता, मशीन उसके पास में चल रही, करंट उसका है, कह दे बंद कर रहा हूं, नहीं पी लो पानी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन वो चाहते हैं कि सब पानी पिए, वो बात अलग है। लेकिन स्वामित्व तो किसी का एक का है, अधिकार किसी एक व्यक्ति का है, तो व्यक्तिगत संसाधन है। बात समझ में आई? व्यक्तिगत संसाधन कौन से हैं? ये पेन व्यक्तिगत संसाधन में आता है, ये बोर्ड व्यक्तिगत संसाधन में आता है, ये क्लासें व्यक्तिगत संसाधन में आती हैं,
उपयोग हम सामूहिक रूप से कर लेते हैं। कभी कोई मीटिंग होती है तो हाँ साहब हमको हॉल चाहिए, तो हम उस समय हॉल दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं आप आराम से मीटिंग लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे दे देते हैं वो हॉल? है व्यक्तिगत है, निजी है मेरा, लेकिन वो सुख सुविधाएं कुछ समय के लिए उनको चाहिए तो भाई आप मीटिंग ले सकते हैं, प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, है ना, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। वो उस समय सामुदायिक नहीं होगा, सामुदायिक कहाँ होगा? मंदिर होगा, घंटी बजाते हैं सामुदायिक, शमशान होगा, सबको जलाते हैं, वो सामुदायिक में जाएगा, सबका अधिकार है वहां पर। वहां पर कोई एक व्यक्ति जाके कुंडली मार के नहीं बैठ सकता कि ये मेरा है, नहीं साहब मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, वो नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो मां मूर्ख है वो, है ना। दूसरा लिखिए सामुदायिक संघ, सामुदायिक संसाधन, कौन सा वाला? देखिए सीधी सी बात सुन लीजिए, निजी वाले में क्या होगा, व्यक्तिगत वाले में क्या होगा, जो भी निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, जैसे कि भूमि है, खेत है, चारागाह है, बाग बगीचे हैं, कुएं का पानी है, ये सब निजी व्यक्तियों के हाथ में। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखना, आप चुकना मत, लिखते रहना हाथों हाथ। नेक्स्ट लिखिए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व, स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, इसमें लिखना ये संसाधन, ये संसाधन किसी क्षेत्र विशेष की शामिलियत, शामिलियत, किसी क्षेत्र विशेष की शामिलियत भूमि होती है या संसाधन होते हैं, शामिलियत संसाधन होते हैं, संसाधन आदत पड़ गई है तुमको, संसाधन होते हैं, शामिलियत संसाधन होते हैं, हाँ क्षेत्र विशेष की शामिलियत संसाधन होते हैं, शामिलियत मतलब क्या, सबका सम्मिलन है, शामिलियत संसाधन होते हैं, जैसे चारण भूमि, जैसे चारण भूमि, चारण भूमि, मुझे अच्छी ढंग से याद है कि पुराने जमाने में, पुराना क्या मेरे जमाने में, मैं ज्यादा पुराना नहीं हूं, 2006 से पहले, हाँ या अभी भी होता होगा, खेत के चारा काटने के लिए लोग जाते थे, उसके बाद में इस ठंड के मौसम में, उषा जल्दी बैठ, ठंड के मौसम में एक विशेष समय, ये जो समय होता था अभी ठंड का जो मौसम चला, इस समय सब औरतें एक साथ पहाड़ पे जाती थी और पहाड़ से सारा चारा काट के लेके आती थी, है ना, अभी भी जाते होंगे, अब तो क्या मेरा देखना कि नजरिया बदल गया, इसलिए टाइम क्लासों में निकल जाता सवेरे सवेरे, तो जाते होंगे तो चारा, उस समय चारण भूमि है, चारण भूमि मतलब वहां पर पशुओं को चराने के लिए जमीन है, वो किसकी है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हाँ हालांकि जहां तक अब मुझे ध्यान है वो भूमि अब वन विभाग के अधिकरण में आ गई है ना, वन विभाग वाले उसको काटने दे या न काटने दे उनके हाथ में, वन विभाग पर है क्या है, वो सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। तो जैसे कि चारण भूमि, चारण भूमि यहाँ पर किसी पर भी क्या करते हैं अपन, जहां पर पशुओं को चरा सकने की सुविधा होती है उसे अपन क्या बोलेंगे, चारण भूमि, ठीक है। तालाब है, शमशान है, शमशान, 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 शमशान भूमि, सही है, शमशान भूमि, शमशान भूमि भी सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती है ना। तालाब, बड़ी का तालाब है, फतेह सागर है, पिछोला झील है, छह संबंध है, किसकी है, अपनी है भाई, अपनी है, अपने तो के लिए अपनी है, तुम जाके वहां पर घर बनाने लग जाओ, खुद की नाव चलाने लग जाओ, 10 मिनट में प्रशासन आ जाएगा, आपको भी ठोकेगा जो सिवा, और जो नाव चला रहा है उसको भी मारेगा। तो स्वामित्व किसका होगा, होगा सरकार का या फिर उस गांव का या उन जनता का जो एक साथ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि रबी की फसल के लिए किसको बुलाया, रबी की फसल जानते हो, गेहूं की फसल है ना, अरे रबी, र और बी कितने अक्षर हैं, तो गेहूं में कितने अक्षर हैं, इसीलिए रबी की फसल गेहूं के आसपास में जो बोई जाती है वो रबी की फसल है ना। और अच्छा बताओ मक्का, मक्का को किसकी फसल है, खरीफ की फसल, याद है, गरीब की नहीं खरीफ की, खरीफ, खरीफ की फसल कैसी होती है, इसमें कितने अक्षर हैं, तीन, मक्का में कितने अक्षर हैं, याद रहेगा, पूछा हुआ प्रश्न है, रीट में पूछ लिया था इस प्रश्न को, हाँ कभी कभी, हाँ तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, अभी रबी की फसल बोई है ना, तो रबी की फसल अभी बोने के लिए अपने खेत पे सरपंच साहब ने सबको बुलाया,
पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर दाल बाटी का आयोजन हुआ। कल परसों हुआ पहली बार दाल बाटी का आयोजन हुआ, सबको बुलाया, सबको बिठाया, सबको जिमाया। उसके बाद में निर्णय लिया गया कि पानी जो है वो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक छोड़ा जाएगा। क्यों इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया, रात को क्यों नहीं छोड़ा पानी? अरे सामुदायिक चीज है वो, और जब कोई चीज सामुदायिक है तो उसका स्वामित्व तो कोई नहीं है। लेकिन सरपंच साहब ने कहा ये मेरा स्वामित्व है। सरपंच साहब अब थोड़े पढ़े लिखे हैं हमारे, है थोड़े एक्टिव है, गाँव के नागरिक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी रात को पानी वेस्ट नहीं जाने दूंगा मैं, नेता नहीं बेटा। तो नेता नहीं बेटा ने उन्होंने प्रावधान लाए, अच्छा प्रावधान है, होना चाहिए, है ना? क्यों होना चाहिए? पानी वेस्ट जाता और धीरे धीरे तालाब खाली होता। तो किसी भी सामुदायिक चीज का या सामुदायिक स्वामित्व का कोई ना कोई अधिकरण करने वाला या अधिकार करने वाला व्यक्ति होता है, वो उस चीज को सुचारू रूप से चलाता है ना? शमशान में ऐसा मतलब नहीं है कि कोई चीज पड़ी हुई तो कोई उठा के ले जाएंगे, वो सबके सब फायदे के लिए है ना? वो या फिर कुएं का अगर मान लो तालाब है तो तालाब सबके फायदे के लिए है। तुम्हारे अगर मान लो उसमें तुम खुद की नाव नहीं चला सकते हो, है ना, वो बात अलग है। कभी कभी किसी ने चला ली हो, जाके नहा के आ गया हो, वो बात अलग है, पैसा करना नहीं। अब कौन आएगा बोलू? राष्ट्रीय संसाधन, हमारे भारत के संसाधन, जहां जिस देश में रह रहे हैं उसके संसाधन क्या कहलाएंगे बोलो बेटा? राष्ट्रीय संसाधन। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय संसाधन, या इसमें लिखिए, लिखना लिखना, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन। तकनीकी तौर पर, तकनीकी मतलब तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले वाले सभी संसाधन, तकनीकी तौर में देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सड़क है, नहर है, रेल लाइन है ना, खनिज संसाधन है, एक बार उतार लो इसको, है ना, कौन कौन से होते हैं आपकी सड़क जानते हैं आप, सड़क, समुद्र, अच्छा सड़क के बाद में आपका नदियां, आपके जल जहां से जल का स्रोत आ रहा है, आपके जितने भी नलकूप है, कुएं हैं, या बड़े स्तर पर जो बांध बने हुए हैं, बांध है ना, वो किसका है? बांध और नदी, जलकूप, ये सब किस में आएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। एक बहुत अच्छी पॉइंट आपकी किताब में लिखी हुई है ना, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागर का क्षेत्र है ना, कहां तक समुद्र में, कहां 22.2 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र, बातें नहीं करेंगे, समुद्री क्षेत्र। देखो किसी भी देश की जो सीमा है, मान लो ये भारत है और भारत की ये सीमाओं के नीचे वाले भाग में 22 किलोमीटर की रेंज तक, 22.2 किलोमीटर की रेंज तक हमारा भारत भाग का ही आएगा। भारत यहां पर है, ये भारत है, पर पानी है बीच में, राष्ट्र में आपने देखा होगा उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये पानी का कितना, 22 किलोमीटर तक हम, 22.2 किलोमीटर तक हमारा किसका अधिकार है? भारत का अधिकार। किसका अधिकार है? भारत का। वो कौन सी संपदा आएगी? राष्ट्रीय संसाधन संपदा। क्या है वो? राष्ट्रीय संसाधन, लिख लो। 22.2 किलोमीटर तक किसका अधिकार है? हमारा। इसी तरह कोई दूसरा राज्य होगा या दूसरा राष्ट्र होगा, मान लो कि ये कोई देश है और इधर कोई देश है, तो इस देश के 22.2 किलोमीटर तक पानी में राज्य उसका, मछलियां पकड़ सकता है वो, मोती निकाल सकता है, या कोई स्वर्धा मोती, सीप से मोती निकलते हैं, और यहां तक 22.2 तक अपना, तो बीच का किसका? अंतरराष्ट्रीय। वो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय। तो तकनीकी तौर पर देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन, जैसे कि सड़क है, जल है, बांध है, वो सभी, और 22.2 किलोमीटर तक समुद्र का क्षेत्र भी राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। किसका संसाधन के रूप में आएगा? राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। यहां पर एक पॉइंट और छूट गया है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले लॉकडाउन लगा, मोदी जी आए टीवी पे और कह दिया उन्होंने कि भाई और बहनों, देश
बहुत बड़ी विपदा से गुजर रहा है, आपका सहयोग चाहता हूं और आप घर से बाहर नहीं निकले, इतनी कृपा करें। इतनी बढ़िया बात, घर के अंदर सोने के लिए बोल रहे हैं आदमी है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने कहा होगा, पर फिर भी हम सब लोग आराम से रहे, हमने भी सौहार्द रखा, भाईचारा रखा, अंदर पड़े रहे, दो साल निकाले जैसे तैसे करके, देश नॉर्मल हो गया, परिस्थितियां नॉर्मल हो गई, फिर क्लासें रंग लाई और क्लासों में पढ़ने, अरे सुनसान था यहाँ पर बैठने के लिए कभी, है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो कैसी कंडीशन में थे हम, ऐसा लगता था कि बस सब कुछ तबाह हो गया, है ना, दो साल तक ऐसा गुजरा हमने, फिर भी अच्छी टेक्निक आई वापिस और वापिस हम सब लोग मिल पाए, अच्छे ढंग से पढ़ पाए, आप लोगों का अध्ययन अध्यापन हो पाया, खुशी हमें इस बात की। तो वो एक ऐसी दौर था कि उस समय सरकार ने जितने भी हमारे अधिकार थे हमारी सुरक्षा के लिए, किसी दूसरे की सुरक्षा के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए हमें ही निलंबित किया कि भैया रुक जाओ, आराम से बैठ जाओ, रेस्ट वेस्ट करो। जब सरकार को लगता है कि हमें ये चीज चाहिए और तुमको साहब ये हमारा निजी है, व्यक्तिगत मामला है, सरकार इसमें से दखल नहीं कर सकती, सरकार कहेगी कि देश पहले कि तू पहले, बोले देश पहले, तो पहले देश का बात खत्म। आप लोगों ने देखा होगा अभी अच्छी सी एक चौड़ी सी रोड बनती हुई आ रही है ना, वहां पर कितने लोगों के घर थे कि नहीं थे, टूटे है ना, क्यों, क्योंकि वो व्यक्तिगत तो थे पर राष्ट्र के संसाधन भी था, इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए शिल्पग्राम जितना बड़ा केंद्र है और वहां पर अगर ऐसी छोटी मोटी चीजें हटानी पड़े तो उनको धनराशि देकर भी हटाया जाए, और कभी कभी बिना धनराशि देकर भी हटा दे सकता, कह देगी कि आपके पास कब्जे हैं, अगर पट्टे हैं तो लाओ, अब आपके पास कागजात नहीं है, आप ऐसे करके बैठ गए हो, कुछ नहीं, ये देश की सरकार की सड़क निकलेगी यहां से, और विकास किसका हुआ, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का। इसीलिए विकास के नाम पर सरकार कभी कभी आपकी भूमि का भी अधिकरण कर लेगी। आपने पीछे बहुत बड़ी लाइन देखी होगी, 11 KV की लाइन जा रही पीछे करंट की, अरे वो जो खेत थे बड़े बड़े, खेतों के बीच में से, लोगों के प्लॉट के बीच में से, इवन कुछ लोगों के घर के ऊपर से वो लाइन गुजर रही है ना। सरकार चाहती तो नहीं गुजारती, पर सरकार को वहां से निकालना था, तो उस समय तुम ये नहीं कह सकते साहब मेरा पट्टो साहब मोता टेटे अतरा जन्म रेर हूं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार के कार्य में आप बाधा नहीं डाल सकते, और वो किसकी प्रॉपर्टी है एक हिसाब से देखी जाए तो राष्ट्र, इन्होंने सभी कह दिया, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संस्थान है, अरे हम खुद भी संसाधन है देश के, जरूरत पड़ गई तो हमारे हाथ में भी बंदूकें दे सकती है देश, कह सकता है कि देश की रक्षा करने के लिए भारत का हर एक नागरिक जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं साहब, जाना पड़ेगा हमको देश की रक्षा करने के लिए, जाओगे नहीं जाओगे, हाँ जाना पड़ेगा, एनसीसी इसीलिए तो तैयार कराते है ना, एनसीसी तैयार हो रही है ना, एनसीसी क्यों बनाते, एनसीसी कैडेट क्यों बनाते है ना, 15 अगस्त में और 26 जनवरी में भदकने के लिए नहीं बनाते, वो आने वाले टाइम के लिए राइफल चलाना सिखाते हैं आप लोगों को। चलिए, तो राष्ट्रीय संसाधन, इसमें नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिखिए, इसमें शानदार पॉइंट है, नोट डाल के लिए याद आ गया तो लिख दीजिए फटाक से, लिखना इसमें नोट डाल के लिखना, संसाधन में देश की सरकार को पूर्ण अधिकार है कि, देश की सरकार को पूर्ण अधिकार है कि सड़कें नहरें और रेल लाइन बिछाते समय, सड़कें नहरें और रेल लाइन बिछाते समय या अन्य किसी देश के कार्य में व्यक्तिगत संसाधन का भी उपयोग किया जा सकता है, अन्य किसी देश के कार्य में व्यक्तिगत संसाधन का उपयोग भी किया जा सकता है, व्यक्तिगत संसाधन का उपयोग भी किया जा सकता है। देश का कोई ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्तिगत संसाधन लग रहे हैं तो लगेंगे, जो किया जा सकता है ना, तो किसके लिए किया जा सकता है, किसी भी राष्ट्र के लिए संसाधन का उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे खेतों के मध्य से निकलने वाली रेल और सड़क, अभी आप जाएंगे थोड़ा से आगे गांव में, है ना, बिल्कुल सिटी के पास सटा हुआ, सिटी है एक प्रकार की, है ना, उदयपुर शहर का ही भाग है बड़गांव, ना भले गांव लग रहा पीछे पर है बड़गांव, पंचायत अपने आप में बहुत बड़ी पंचायत समिति बनी हुई है, वहां पर देखना कि दोनों साइड में, कल निरीक्षण पर था तो कल जाके आया हूं मैं, तो दोनों साइड की तरफ बहुत भारी तोड़फोड़ हो रही है ना, लोगों को मुआवजा दे दिया गया है,
डेढ़ डेढ़ दो दो लाख ढाई ढाई लाख चार लाख पांच लाख पैसे दे दिए और हटाओ आपकी आप अपनी सहूलियत से हटा तो ठीक, बाकी फिर कौन हटाएगा, यूआईटी आएगी हटाएगी या फिर नगर निगम आके हटाएगा, पर आप इसको पहले से अपने हिसाब से हटा लो, आपके काम की चीज आप ले जाओ यहाँ से और देश के लिए रास्ता चौड़ा कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो एनएच निकला हुआ है, नेशनल हाईवे निकला हुआ है, वहां पर आपके बीच के घर क्या आ रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, तो वो किसके लिए, राष्ट्रीय संसाधन के लिए है, तो किसकी संपत्ति थी, व्यक्तिगत संपत्ति थी, राष्ट्रीय संसाधन के लिए उनको क्या करना पड़ा, हटना पड़ा। अब कौन आएगा बोलो, अंतर्राष्ट्रीय, कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम होते हैं। तो लिखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, कुछ अगला पॉइंट, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। चौथे पॉइंट में लिखना, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। इसको नियंत्रित करती है, संसाधनों को नियंत्रित करती है, हाँ संसाधनों को नियंत्रित करती है। देखिए जैसे 200 मील समुद्री, कितना मील, 200 मील, 200 मील समुद्री दूरी के बाद तट से लिखना, तट से 200 मील समुद्री दूरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। 200 मील समुद्री देखो, हाँ तट से 200 मील तट से दूर है ना, कितना मील, 200 मील, तट से कितना मील, 200 मील, उसके बाद किसका अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, किसका संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय, ये बीच की जमीन किसकी होगी, ये बीच का जो समुद्र है वो किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, है ना। अगर यहां पर कोई जहाज आता है तो उसे किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे भाई साहब यूं थोड़ी है क्या, कोई भी जहाज आकर के अपने केरला पे आके अटका दिया फटाक से, या फिर गुजरात के बंदरगाहों पर लाके लटका दिया, भाई हम यहाँ पर उतरना चाहते हैं, नहीं उन्हें क्या लेना पड़ेगा, अनुमति ले। एक और बात बताता हूँ, आसमान में तो कोई सीमाएं नहीं है, है ना, लेकिन अगर मान लो पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट किधर से गुजर रहा है तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी भारत से, भाई साहब मैं उतारू गई, है ना। और अगर इंडिया उस चीज की अनुमति देता है या कोई देश उस चीज की अनुमति देता है तब जाकर के उसको उतारने का अधिकार है। एक और चीज, आपने सोचा होगा कि ये आजकल हमारे पास में हेलीपैड बन गए हैं, चार हेलीपैड अपने आसपास में है, और तुमने ये भी देखा होगा कि हेलीपैड, तुम्हारे मन में भी इच्छा हुई होगी, हमारा काश हमारा खुद का भी हेलीकॉप्टर होता, मर्जी होती पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, है ना, इच्छा तो होती है साहब, इच्छा मेरी भी है, इसमें क्या बात है ना, खुद का हेलीकॉप्टर हो, फटाक से लिया।